आंवला से ना स्क्वाश बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आंवला लिया है। आंवला को बॉईल करने के लिए ना मैंने कढ़ाई में पानी लिया है। एक्चुअली आंवला को ना बिना पानी के बॉईल करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, एक स्टीमर है ना वो मैं इसके ऊपर बिठा दूँगी, तो क्या होगा तो इसमें वो बॉयल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक छोटा होल किया हुआ एक प्लेट है जिसमें छोटा छोटा होल है, तो मैं इसके नीचे दे दूँगी, तो क्या होगा ना पानी उबाल के ना स्टीमर के ऊपर नहीं आएगा। अगर आपके पास नहीं हो ना तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा पानी कम करके दीजिएगा, बीच बीच में ना इसके अंदर पानी डालिएगा जब सूख जाएगा। तो अब मैं इसे ना एकदम टाइट ढक के रख दूंगी बॉयल होने के लिए। ये जो हो गया है कितना एकदम सॉफ्ट हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा ना, बीच बीच में ना इसको उठा के ना इसके नीचे कढ़ाई में थोड़ा पानी देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके। पानी सूख जाता है ना, ज़्यादा पानी देंगे तो ऊपर उठ जाएगा, इसीलिए अच्छी तरह से सॉफ्ट करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा सख्त रह जाएगा तो आप जब पेस्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा ग्रेनी हो जाता है, इसीलिए इसे अच्छी तरह से आप सॉफ्ट कीजिएगा, जैसे फट जाता है ना इसे। देखिए ऐसे हो गया, मेरा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर का जो बीज है ना इसे निकाल दूँगी, देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। ऐसे सॉफ्ट करना पड़ेगा ये। अब मैं बिना पानी के ना इसे पेस्ट करूंगी मिक्सी में, ज्यादा मैं एक साथ नहीं दूंगी, बिना पानी की है ना इसीलिए बीच बीच में ना इसे ऐसे करके देखे स्टार करके ना अच्छी तरह से फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। अच्छी तरह से पेस्ट करने के लिए बीच बीच में इसे खोल के स्पून से इसे फिर से एक बार मिक्सी में मैं पेस्ट करूंगी। बचा हुआ सेकंड बेस को ना मैं आप पेस्ट करूंगी। अब मैं इसे ना अच्छी तरह से छान लूंगी, क्या है ना छन्नी के नीचे ये प्यूरी लग जाता है, तो आपको ऐसे करके नीचे बाउल में रखना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करके करना पड़ेगा आपको। आंवला प्यूरी मेरा एक कप हुआ है तो मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। मेरा आंवला प्यूरी एक कप हुआ था तो मैं एक कप शुगर इसमें डाल दूंगी, जितना प्यूरी है उतना ही शुगर। अब मैं इसे ना लो हीट में शुगर को मेल्ट करूंगी। मेरा आंवला ट्रांसलूसेंट हो गया है, मेरा अभी तैयार हो गया है ये। मैंने बीच में ना लास्ट में थोड़ा सा हीट बढ़ा दिया था, मीडियम हीट में ले गई थी लास्ट में। ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। अब मैं इसे ना आंवला से शिकंजी बनाऊंगी। शिकंजी बनाने के लिए मैं अब क्या करूंगी, 2 टीस्पून जो मैंने बनाया था ना आंवला की स्क्वाश मैं इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें ना इलायची पाउडर डालूंगी 1 पिंच, ज्यादा नहीं। मैं दोनों ग्लास में 2 टीस्पून करके सेफ्रन डाल रही हूँ, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, ये ऑप्शन है। अब मैं दोनों ग्लास में पानी डाल दूंगी। अच्छी तरह से ना मैं इसे स्टार्ट करूंगी। एकदम थोड़ा सा सॉल्ट में इसमें डालूंगी, ज्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून करके ना हनी इसमें डाल दीजिए, हनी ना हो तो शुगर डाल दीजिएगा। अब इसमें ना बर्फ डाल दीजिए। अब
अब इसे ना अच्छी तरह से स्टार कर लीजिए। मैंने शिकंजी तैयार कर लिया है। ये बहुत ही हेल्दी एक ड्रिंक है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली ना मैंने ग्लास में किया था मेजरमेंट के लिए, उसके बाद मैंने इसे कप में डाल दिया, तो इसके अच्छी कलर जो है ना वो निकल के आया है। मैं स्क्वाश बनाते वक्त इलायची पाउडर डाल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि आप चाहे तो इसे चटपटा बना के भी ड्रिंक्स बना सकते हैं। मेरा चैनल नया है लेकिन रेसिपीज बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।